कल वेस्ट इंडीज का मैच देखा, क्या गजब कंट्री है यार, क्या खेलती है। वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री डम्बो। नो, वेस्ट इंडीज नॉट अ कंट्री। क्या है फिर? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रीजन्स। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैरेबियन? कैरेबियन सी के आसपास वाला हिस्सा कैरेबियन में आता है, वेस्ट इंडीज इसमें आता है, कैरेबियन के बाहर वाले आइलैंड्स, व्हाट अबाउट बहामास, बर्म्यूडा? अच्छा, लैटिन अमेरिका क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका? विच अमेरिका इज इट? Hey everybody, I am Richa and this is Parcham. और अगर ये सारे confusion आपके दिमाग में भी हैं, तो आज के इस video में we'll be clearing all these doubts. So without any further delay, let's get started. So before we move on to what is West Indies, पहले समझ लेते हैं Caribbean क्या है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अमेरिकाज का मैप। आई रियली होप फेमिलियर होंगे, बिकॉज बहुत रिसेंटली हमने नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स कवर किए, उससे पहले हमने नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप्स को निमोनिक टेक्निक से याद किया था। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की 7 कंट्री, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के बिल्कुल ईस्ट यानी कि पूर्व में देखिए, ये जो पूरी वाटर बॉडी आपको दिख रही है, दिस इज द कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर है ये। अब कैरेबियन क्या है? इट इंक्लूड्स कैरेबियन सी, नंबर वन। नंबर टू, कैरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड्स आ रहे हैं, जैसे जमैका कैरेबियन सी में पड़ता है, अभी हम जूम इमेज भी देखेंगे, या फिर कैरेबियन सी के एजेस पे जो आइलैंड्स आ रहे हैं जो कैरेबियन सी को अटलांटिक ओशन से सेपरेट करते हैं, ये नंबर टू। सो नंबर वन इज कैरेबियन सी, नंबर टू इज आइलैंड्स ऑफ द कैरेबियन सी, एंड नंबर थ्री इज द कोस्टल रीजन्स। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के थोड़े से हिस्सों के जो कोस्टल रीजन्स हैं, जैसे मेक्सिको आ जाएगा, उसके कोस्टल रीजन जहां तक कि कैरेबियन सी टच हो रहा है, उन एरियाज को भी कैरेबियन में इंक्लूड किया जाता है। सो कैरेबियन इज नथिंग बट कैरेबियन सी, सराउंडिंग कोस्ट एंड द आइलैंड्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड द कैरेबियन। आई बात समझ में? ओके, चलिए यहाँ पे हम जूम्ड इमेज देखते हैं। This image I have taken from Adobe Stock. It was a very clear image. That is why I have taken it. There are some watermarks. Anyways, so North America, Central America, South America, और ये पूरे आ गए हमारी Caribbean Sea. अब यहाँ पे कुछ islands अंदर हैं और कुछ islands edges पे हैं. ये सब Caribbean का हिस्सा है. Now there are some countries which are completely counted into Caribbean, like गयाना साउथ अमेरिका की, फिर उसके नेक्स्ट आती है सरनेम, राइट, वो भी इसका पार्ट मानी जाती है। देन बेलीज, बेलीज सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन कैरेबियन। नाउ देर आर द कोस्टल रीजन्स, कुछ कंट्रीज के जैसे वेनेजुएला है, इसके जो कोस्टल एरियाज हैं वो कैरेबियन में इंक्लूड होते हैं। कोलंबिया है, इसके कोस्टल एरियाज कैरेबियन में इंक्लूड होते हैं। सो आई होप कैरेबियन मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ एक अभी हम टॉपिक या एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखेंगे, बहामास। दीज आर द बहामास एंड ये आ जाते हैं टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड्स। सो बहामास क्या कैरेबियन का हिस्सा है या नहीं है, वो आगे देखते हैं। सो लेट अस मूव अहेड। नाउ आगे बढ़ने से पहले और बहामास और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले, ये देख लीजिए कि कैरेबियन जो सी है वो कैरेबियन प्लेट पे लाइक करती है। दैट इज यहाँ पे पूरा कैरेबियन प्लेट है, जहाँ पे कैरेबियन अधिकतर हिस्सा कैरेबियन का इस प्लेट के ऊपर लाइक करेगा। नाउ कमिंग ओवर टू बहामास, बहामास की आपने लोकेशन देखी थी यहाँ पे, दीज आर द बहामास। बहामास आइडियली ना तो कैरेबियन सी के अंदर आते हैं, ना इसके एजेस पे आते हैं, ये बाहर लाइक कर रहे हैं, बहामास एंड टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड्स। सो क्या ये कैरेबियन का हिस्सा माने जाते हैं? यस, यस, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कैरेबियन। व्हाई? नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। वो इसलिए बिकॉज दे आर फुल टाइम मेंबर ऑफ द कैरेबियन कम्युनिटी, ठीक है। दो इनका जो रीजन है, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज टाइप है, जो भी कल्चर ये फॉलो करते हैं, वो काफ़ी कुछ मिलता है कैरेबियन कंट्री से, और उसके चलते बहामास आर इंक्लूडेड और कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कैरेबियन। दो ये ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, प्रॉक्सिमिटी इन द सेंस कि ये कैरेबियन सी के अंदर में लाए नहीं करते, उसके एजेस पे लाए नहीं करते, थोड़ा दूर हैं, फिर भी इनको पार्ट माना जाता है कैरेबियन का। सो यहाँ पे देख लेते हैं बहामास, sometimes considered as a part of Caribbean, some people consider them, some people do not consider them. Full member हैं, लेकिन ये full member of state of the Caribbean community. Okay, so this is one point to be considered. Now, like I told you earlier, mainland countries हैं कुछ, जैसे Belize, Guyana, Suriname, वो भी Caribbean का part मानी जाती हैं. They are also full member states of Caribbean community and the association of Caribbean states.
नाउ मूविंग ओवर टू सेवरल अदर कोस्टल रीजन्स ऑफ द मेन लैंड जो कि कैरेबियन का हिस्सा माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेनेजुएला, कोलंबिया, इनके कोस्टल एरियाज भी कैरेबियन का हिस्सा माने जाते हैं. सो आई रियली होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी. नाउ वन पॉइंट यहाँ पे ऊपर कहीं यहाँ पे पड़ेगा बर्म्यूडा. ओके, बर्म्यूडा जिससे एसोसिएटेड है फेमस बर्म्यूडा ट्राइंगल. नाउ व्हाट इट इज ऑल अबाउट वो कभी एक दूसरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे. सो बर्म्यूडा क्या कैरेबियन का हिस्सा माना जाता है? Sometimes, yes, it is considered to be a part of the Caribbean because it is an associated member of the Caribbean community. Okay? So, although it is very distant, aas-paas bhi nahi hai, physical geographical proximity mein bhi nahi hai, phir bhi, sometimes it is considered to be a part of the Caribbean. I hope you are clear until now. Moving over to West Indies. Main sirf ek sentence bolungi and I think usse aapko samajh mein aa jayega. West Indies are the Caribbean islands. वेस्ट इंडीज आर द कैरेबियन आइलैंड्स. कैरेबियन में हमने तीन चीज़ें देखी, कैरेबियन सागर यानी कैरेबियन सी, कैरेबियन से जुड़े हुए जितने भी कोस्टल एरियाज हैं काफ़ी सारे उनमें से कैरेबियन में इंक्लूड किए जाते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स. तो जब हम सिर्फ आइलैंड्स की बात करेंगे सो इट इज़ नथिंग बट द वेस्ट इंडीज. ओके, सो ये आपको जो आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये जो आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये जो आइलैंड्स दिख रहे हैं और ये जो आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये सब कुछ वेस्ट इंडीज़ है. सो कैरेबियन आइलैंड्स With Caribbean, within the Caribbean Sea or on the edges. यहाँ पे अब हम next image देखते हैं, very much clear. Now West Indies basically three group of islands है. एक है जो कि हम जिसको हम Bahamas के नाम से जानते हैं popularly. It is called Lucayan Archipelago. Lucayan Archipelago majorly ये Bahamas आ जाएंगे and Turks and Caicos Islands आ जाएंगे. सो ये जो लुकायन आर्किपेलेगो है ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो वेस्ट इंडीज़ में आता है. फिर ये जो आपको क्यूबा, जमैका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर ग्रेटर एंटिलीज, ये लिखा हुआ है ग्रेटर एंटिलीज एंड दीज आर ऑल लेसर एंटिलीज. सो ये थ्री ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लुकायन आर्किपेलेगो, ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज विच कंप्राइज द वेस्ट इंडीज. यस, ओके. Now, आई होप यहां तक क्लियर है. गुड, सो क्या वेस्ट इंडीज कोई कंट्री है? नो. क्या कोई कॉन्टिनेंट है? ऑफ कोर्स नॉट. क्या आइलैंड है? यस, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड दीज आर ऑल दीज वर ऑल द ब्रिटिश टेरिटरीज एट वन पॉइंट इन टाइम. ओके, सो वेस्ट इंडीज आर नथिंग बट द आइलैंड्स इन द कैरेबियंस विच मेजरली कंस्टिट्यूट ऑफ थ्री ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लुकायन आइलैंड्स, द ग्रेटर एंटिलीज एंड द लेसर एंटिलीज. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अंटिल नाउ. अब पढ़ लेते हैं फटाफट से जो हमने लिखा है. और वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ क्यों बुलाते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा एक सवाल दिमाग में उठता है कि इंडिया से क्या लेना देना है इसका, वाई इज इट कॉल्ड वेस्ट इंडीज़. तो वो भी अभी देखते हैं. तो सबसे पहले देख लीजिए, क्रिसेंट शेप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मोर देन 3200 किलोमीटर लॉन्ग. क्रिसेंट शेप्ड है ना, जैसे अर्धचंद्राकार होता है, हाफ मून सॉर्ट ऑफ शेप. सो क्रिसेंट शेप्ड आइलैंड्स सेपरेटिंग गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरेबियन सी फ्रॉम अटलांटिक ओशन. सो यहाँ पे आती है गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ देख लीजिए इफ यू आर एबल टू सी, दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, दिस इज कैरेबियन सी और ये जो पूरे आइलैंड्स हैं ये अटलांटिक ओशन से इन दोनों को सेपरेट करने का काम करते हैं. नाउ सॉर्टेड इनटू थ्री मेन आइलैंड ग्रुप्स, लुकायन आर्किपेलेगो जिनको पॉपुलरली हम बहामास, मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पे, ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज. नाउ वाई आर वेस्ट इंडीज कॉल्ड दी वेस्ट इंडीज, इसका पूरा क्रेडिट जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस साहब को जिन्होंने बहुत बड़ी गलती की. वो निकले थे एशिया और इंडीज ढूंढने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए. क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से यूरोपियन एक्सप्लोरर, तो वो निकले थे ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज तो नहीं कहेंगे हम, इंडीज ढूंढने के लिए एशिया और जो साउथ साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा है ना उसको पूरे को उस टाइम इंडीज कहा जाता था या ईस्ट इंडीज अब हम कहते हैं. तो वो ढूंढने निकले थे पर पहुंच गए उल्टी दिशा में. और कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए बहामास. सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे वो? बहामास इन द वेस्ट इंडीज रीजन. तो जब ये खबर स्पेन तक पहुंची कि अरे भाई जाना था यहाँ, चले गए वहाँ, तो अपनी गलती को कवर अप करने के लिए उन्होंने संभाव कि हाँ मैं जहाँ पहुँचा हूँ लेट मी कॉल इट समथिंग, तो उन्होंने नाम दे दिया वेस्ट इंडीज. अच्छा ये भी क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे थे वेस्ट इंडीज साइड में तो अमेरिकन अबोरिजिन्स को देख करके उन्हें लगा मैं इंडिया पहुँच गया हूँ, मैं इंडियंस को देख रहा हूँ. तो वहाँ के जो अबोरिजिन्स यानी कि जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स होते हैं, सो अमेरिका के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स को उन्होंने इंडियंस नाम दे दिया था. और बाद में पता चला कि नहीं नहीं आप उल्टी दिशा में जा चुके हो, तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है ईस्ट इंडीज नहीं गए तो
इधर चले गए तो इसको वेस्ट इंडीज नाम दे देते हैं। तो देखिए इंडिया और ये जो पूरा इंडोनेशियन आर्किपेलेगो और जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको बोलते हैं ईस्ट इंडीज, इंडिया के जो ईस्ट साउथ ईस्ट में है ये वाले कंट्रीज, है ना। तो आना था यहाँ, पहुँच गए इस साइड, और सबसे पहला आइलैंड जहाँ वो पहुँचे थे वो था बहामास। तो पहुँच गए इस साइड, तो ये है ईस्ट इंडीज, तो यहाँ इसको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। दिस इज हाउ इट वॉज नेम्ड, गॉट इट, नथिंग टू डू विद इंडिया, बट एक कन्फ्यूजन था जिसके चलते इसको नाम मिल गया। सो वेस्ट इंडीज वॉज कॉइंड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने मिस्टेकनली अबोरिजिनल पीपल ऑफ अमेरिका को इंडियन समझ के ये सोचा कि मैं इंडीज पहुंच गया हूं। कोलंबस थॉट वो एशिया या ईस्ट इंडीज पहुंच गए हैं, और बाद में उनके स्पेन में उनके घर में जब खिल्ली उड़ाने लग गए लोग तो उन्होंने कहा नो 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 नो, इट्स ओके, मैंने वेस्ट इंडीज एक्सप्लोर कर लिया है। सो दिस इज हाउ वेस्ट इंडीज वॉज नेम्ड। नाउ मूविंग ओवर टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, और उसी के साथ साथ एक टर्म आती है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका क्या है? तो ये पूरा अमेरिका आपको पता है, इसमें से बहुत सिंपल से तौर पे समझिएगा, इस पूरे अमेरिका में से जब हम कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस का एक जो स्टेट है अलास्का वो यहाँ भी है, तो जब हम कैनेडा और यूएस को हटा देते हैं इस पूरे अमेरिका में से, नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ में से, तो वो यूएस और कैनेडा बन जाते हैं एंग्लो अमेरिका, और बाकी बचा हुआ सब कुछ बन जाता है लैटिन अमेरिका। अब ऐसा क्यों? एंग्लो का मतलब क्या होता है? सो एंग्लो का जो मतलब होता है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये सब है लैटिन अमेरिका, बाकी सब है एंग्लो अमेरिका। सो एंग्लो अमेरिका में एंग्लो का मतलब होता है वाइट पीपल, राइट, जो कि इंग्लिश बोलते हों, वाइट हों, ब्रिटिश वाला जो कल्चर थोड़ा होता है, दैट यू नो एकदम फराटेदार इंग्लिश, एकदम फेयर स्किन, उनको एंग्लो कहा गया। सो यहाँ पे जो आपको अधिकतर लोग दिखेंगे दे आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, बहुत एक थोड़ा सा हिस्सा है जो कि फ्रेंच कैनेडा वाला होता है, दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, राइट। इसके अलावा जितना भी नीचे वाला हिस्सा है इंक्लूडिंग दी सेंट्रल अमेरिका, दी साउथ अमेरिका, दी कैरेबियंस, वहाँ पे मुख्य तौर से स्पैनिश बोली जाती है या फिर पोर्टुगीज बोली जाती है, और ये जितने भी कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन और साउथ अमेरिका के, एट वन पॉइंट इन टाइम 15 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक, यानी 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, दे वर कॉन्कर्ड और दे वर कॉलोनाइज्ड बाय स्पैनिश एंड पोर्टुगीज पीपल। यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला आएगा कहीं? रिमेंबर द आइबेरियन पेनिनसुला? लेट मी ट्राई एंड शो इट टू यू। चलो चलो देख लेते हैं, ज्योग्राफी में मज़ा नहीं है अगर कुछ चीज़ें देखी नहीं तो। सो ये रहा आइबेरियन पेनिनसुला। सो स्पेन एंड पोर्टुगल वाले लोगों ने इन एरियाज पे अपना कॉलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली किया था, और इसके चलते ये जितनी भी कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका वाली, इनको कहा जाता है लैटिन अमेरिकन्स। लैटिन हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद स्पैनिश एंड पोर्टुगीज, नॉट समथिंग, इट हैज़ गॉट टू डू विद स्पैनिश एंड पोर्टुगीज। तो ये सारे लोग जो हैं ये एक ही तरह के कॉलोनाइजेशन के अंडर में थे, और जब इन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी तो एक ही तरह का इन्होंने इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल देखा 19th सेंचुरी में। एंड जिस तरह से कॉमनवेल्थ एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग ब्रिटिशर्स से रूल रहे हैं वो कॉमनवेल्थ नेशंस में काउंट किए जाते हैं, इसी तरह से अमेरिकन कंट्रीज जो कि स्पैनिश और पोर्टुगीज से रूल रहे हैं उनको लैटिन अमेरिकन्स कह दिया जाता है। एंड दे शेयर अ कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, ऑफकोर्स आपस में डिफरेंसेस हैं, बट ओवरऑल मेजॉरिटी लेवल पे या मैक्रो लेवल पे देखें तो दे हैव समथिंग इन कॉमन। इनकी हिस्ट्री थोड़ी कॉमन है बिकॉज इनके कॉलोनाइजर्स कॉमन थे, इनकी लैंग्वेजेस थोड़ी कॉमन है बिकॉज मेजरली स्पैनिश और पोर्टुगीज बोलते हैं यहाँ के लोग, और इनका कल्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस फटाफट से रीड। Anglo means white English speaking North American, and North America में से भी Mexico हटा दीजिए, so पूरे North America में से Mexico आप हटा दोगे तो वो बन जाएगा Anglo America। Latin America is generally entire continent of South America in addition to Mexico जो कि North America का part है, Central America के 7 countries and islands of the Caribbean। अब जब मैं कहती हूँ islands of the Caribbean मतलब वेस्ट इंडीज, एग्जैक्टली, ओके। देन पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्केस्ट एंड कॉलोनाइजेशन बाय स्पैनिश एंड पोर्टुगीज फ्रॉम 15th या लेट 15th टू द 18th सेंचुरी,
और उनका जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था इनके खिलाफ वो भी कॉमन था अर्ली 19th सेंचुरी में. सो पीपल, दिस वाज ऑल अबाउट द कंफ्यूजन बिटवीन एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वेस्ट इंडीज, कैरेबियन. आई रियली होप अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन इन चीजों को लेकर के नहीं रहेगा. इफ यू हैपन टू लाइक द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहोगे वो भी बताइएगा. बर्म्यूडा ट्रायंगल जरूर आपके लिए आएगा. और बाकी जो चैनल पे पढ़ाई चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी. सो सी यू वेरी सून ऑन परचम क्लासेस एंड परचम रोजगार. रोजगार इज ऑल्सो एक्टिव. अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा. परचम रोजगार इज द चैनल फॉर जॉब रिलेटेड सपोर्ट विच वी आर एक्सटेंडिंग टू ऑल द यूथ. So take care, tada.